नॉर्थ बंगाल के सिलीगुड़ी शहर में सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दार्जिलिंग जिला परिषद के तहत से एक जुलूस व समावेश का आयोजन किया गया। आज सीपीआई दार्जिलिंग जिला परिषद की तरफ से जो जुलूस निकाला गया, दोपहर को करीब 1 बजे सिलीगुड़ी शहर के बीच से बहता हुआ महानंदा ब्रिज के पास एयर व्यू मोर चौराहे से भारी मात्रा में सीपीआई के सभी कार्यकर्ताओं से लेकर आम लोगों की भी इसी जुलूस में शामिल हुआ। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि मेरे सामने खड़े हुए दार्जिलिंग जिला की पार्टी के स्पोक्स पर्सन, जो डिटेल्स में बताएगा कि आज का ये जो समावेश किया गया है, उनके मुंह से सुन लेते क्या क्या डिटेल्स, किस किस मुद्दे पे इन लोग आज ये समावेश का आयोजन किया है। सर, आपका नाम? सर, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल की तरफ से हम लोग यहाँ पर मौजूद है। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की तरफ से एक रैली और कैंपस मीटिंग का आयोजन किया गया है। आप लोगों को मालूम है, पूरा देश भर मोदी सरकार का जमाना में कुछ दिन पहले जो बजट पेश किया गया है वो जन विरुद्ध बजट है। और हमारा पार्टी का स्टैंड पॉइंट ये है कि ये केंद्र सरकार का, मोदी जो सरकार है, वो हम लोगों का, आम आदमी का खिलाफ ये बजट पेश किया गया। यूथ का, यूथ के लिए, स्टूडेंट के लिए, फार्मर के लिए और जो वर्कर है उन लोगों के लिए बजट में कुछ नहीं है। अदानी अंबानी के लिए करोड़ों रुपये का जो टैक्स है वो रिलीफ किया गया है, लेकिन फार्मर लोगों का टैक्स रिलीफ अभी तक नहीं हुआ है। हम लोगों का मांग ये है कि पूरा देश भर जैसे अदानी और अंबानी के लिए ये मोदी सरकार काम कर रहा है, इसी स्टेट में हमारा ये राज्य में ममता सरकार भी सेम टू सेम एसएससी प्राइमरी ट्रेड में घोटाला, करोड़ों रुपये का घोटाला। जो लोग इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट है, जो लोग अभी तक एसएससी प्राइमरी ट्रेड को क्वालिफाई किया है, उन लोगों को नौकरी नहीं मिला, लेकिन नौकरी मिला है उन लोगों का पार्टी ऑफिस में ब्लैंक सीट सबमिट करके। जो लोग एग्जाम पास भी नहीं कर पाया, जो क्वालिफिकेशन भी क्रॉस नहीं कर पाया, उन लोगों को नौकरी दिया गया। ये ममता का जमना में हम लोग ये बोलना चाहते हैं पार्टी की तरफ से, सिलीगुड़ी शहर में आम आदमी के पास हम लोगों का ये जो विशेष मैसेज है हम लोगों का, जो पार्टी का तरफ से, कि ये मोदी दीदी का जो जमाना है इसका खिलाफ आप लोग जुट बाजिए। और ये दो सरकार आम आदमी का खिलाफ काम कर रहा है, ये दो सरकार के विरोध में सीपीआई आज यहाँ पे सिलीगुड़ी शहर में एक बड़ा रैली का आयोजन किया है। और हम लोगों का ये पार्टी का रैली में उपस्थित हुए हैं पार्टी का स्टेट का सेक्रेटरी कॉमरेड स्वपन बनर्जी। उन्होंने यहाँ से मैसेज भी आम आदमी को दिया है कि लेफ्ट मूवमेंट को अगर स्ट्रांग नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो यहाँ पूरा देश भर मोदी सरकार और यहाँ पर जो ममता का सरकार, ये लोग जो काम कर रहे हैं ये लोग करते रहेंगे और हम लोगों का जो आम आदमी का लिए जीना हराम हो जाएगा। इसीलिए आम आदमी के लिए और जो स्टूडेंट है, यूथ है, वर्कर है, जो फार्मर है, इन लोगों के लिए हम लोगों का जो लड़ाई है लेफ्ट मूवमेंट का, वो और भी स्ट्रांग करने का जरूरत है। इंद्रा का पार का पार।